इश्क ने समझा है क्या हुस्न में जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। जी पिताजी भी साथ आए हैं। अच्छा, शादी की तारीख नक्की करना है। राजेश भैया माला, ओह ब्यूटीफुल, यू लुकिंग लवली एज़ एवर। हां थैंक्स। हेलो राजेश। हाय जीवन, हाउ यू डूइंग? ओके, कमाल है। दो घंटे पहले तुम्हारे पिताजी का टेलीफोन आया कि तुम बंबई से आ गए हो। मैं माला से यही कहने आया था, लेकिन तुम तो मुझसे पहले मौजूद हो। हां ओनली एज़ अ लवली कोच यू हैव हियर। अरे भूल गए क्या? तुम इन्हें तो लास्ट बर्थडे पर लंदन से भेजा था। ये देखो, इस पर मेरा नाम भी लिखा हुआ है। अच्छा जीवन, इससे पहले कि मैं तुम्हारे पिताजी से जाकर होटल में मिलूं, ये बताओ तुम दोनों अचानक बम्बई से क्यों आ गए? मामला ये है राजेश, कि मैं चाहता हूँ कि अगले महीने की 15 तारीख तक जीवन और माला की शादी हो जानी चाहिए। लेकिन अंकल इतनी जल्दी? देखो राजेश, मैं जानता हूँ तुम्हारे पिताजी को अभी गुजरे हुए 6 महीने भी नहीं हुए, मगर बेटा जिंदगी और मौत इंसान के साथ। हाँ ये देखो, ये आखिरी खत जो उन्होंने मुझे अफ्रीका से लिखा था। मेरे प्यारे दोस्त करमचंद, शादी की तारीख मुझे मंजूर है। आज मेरा लड़का राजेश लंदन से दिल्ली जा रहा है। दिल्ली पहुंचते ही वो माला की शादी की सारी तैयारियां शुरू कर देगा। भगवान ने चाहा तो ये शादी इस आला पैमाने पे होगी कि दिल्ली वाले भी याद रखेंगे। हेलो मिस्टर राजेश, देयर इज अ कॉल फॉर यू फ्रॉम लंदन। हेलो, हाय सुनीता। हाँ बोलो। चलो अच्छा ही हुआ तुम्हारे पिताजी को पता चल गया मेरी दौलत खत्म हो चुकी है। क्या कह रही हो तुम? और तुमने क्या जवाब दिया? नहीं मैं लंदन नहीं आ सकता, मैं बहुत परेशान हूं माला की शादी के लिए। हेलो, तुम रो क्यों रही हो सुनीता? हेलो 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 हो बेटा, हेलो। ओके
हाय रामू दादा। क्यों बेटा, सेठ करमचंद से मिले? वो माला और जीवन की शादी अगले महीने की 15 तक करना चाहते हैं। 15 तक? जी। लेकिन इतनी जल्दी पैसे कहाँ से लाओगे जो माला बिटिया की शादी हो? कुछ समझ में नहीं आता रामू दादा। देखते देखते क्या तबाही हमारे खानदान पर आ गई। ये वो आखिरी चिट्ठी जो पिताजी ने मुझे अफ्रीका से भेजी थी। राजेश बेटा, जब से यहाँ की हुकूमत बदली है हिंदुस्तानी व्यापारियों के लिए हालात अच्छे नहीं है, इसलिए मैंने अपनी फैक्ट्री और सारी जायदाद बेच डाली है। इस जायदाद के बदले मुझे 25 करोड़ रुपए के हीरे मिले हैं। टैक्स अदा करके और हुकूमत की इजाजत से मैं ये हीरे एक चमड़े की बेल्ट में रखकर अपने साथ हिंदुस्तान ला रहा हूँ। अब फिर रास्ते में उनका जहाज बेरूत एयरपोर्ट में रुका था, वहीं उनको दिल का दौरा पड़ा और चल बसे। और वो चमड़े की बेल्ट जिसमें हीरे थे, पता नहीं रामू दादा वो कहाँ गायब हो गए। मेरे बाप की सारी जिंदगी की कमाई, मुझे हॉल में गाना गाने के लिए जाना है। हे भगवान, क्या दिन दिखाए तूने! 1 करोड़पति बाप का बेटा आज होटलों में गाना गाकर अपना पेट पाल रहा है। सब किस्मत का खेल है रामू दादा। सलामी
हाथों पे साथ करते हैं गुलामी, वो कोई परजा हो या बादशाह, आज तो सभी हैं मुझ पे फिदा। है बचना है हसीनों, लो मैं आ गया। महफिल में आज छाई है मेरी ही अदा। है बचना है हसीनों, लो मैं आ गया। Hey, come on, will you all join me? One, two, three, four. तुम्हारा नाम रजेश है बेटा जी? मुझे कुछ जरूरी बात करना है। आइए। बैठे। थैंक यू सर। फरमाइए, क्या काम है? एक बात पूछनी है बेटा। तुम्हें वो हीरे मिल गए जो तुम्हारे पिताजी ने अफ्रीका से भेजे थे? मुझे यकीन है वो हीरे तुम्हें नहीं मिले होंगे, वरना तुम इस होटल में गाने वाले की नौकरी नहीं करते। ठीक है ना? देखो बेटा, मेरा नाम सुधाकर सिंह है और यह है मेरे दोस्त पंजीत कुमार दाना। मैं एक व्यापारी हूँ। कुछ 6 महीने पहले मैं अफ्रीका से आ रहा था। बेरूत एयरपोर्ट पर तुम्हारे पिताजी को ऐसी हार्ट अटैक हुई कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मरते समय उन्होंने चमड़े की एक बेल्ट जिसमें कीमती हीरे थे मेरे सामने एक आदमी को दी और तुम्हारा नाम पता बता के कहा कि वो बेल्ट तुम तक पहुंचा दे। आप उस आदमी को जानते हैं? अच्छी तरह से। कहाँ है वो? यही दिल्ली में। बहुत पैसे वाला, नाम वाला, इज्जत वाला, लेकिन दरअसल ये खतरनाक स्मगलर है। कौन है वो? नाम है सेठ किशोरी लाल। ठीक है, इनको ड्यूटी पर लगा दो। एक्सक्यूज मी सर, ये मिस काजल के लिए बॉडीगार्ड्स क्यों रखे जा रहे हैं? मुझे डर है मेरे दुश्मन मेरी बेटी काजल को उठा ले जाने की कोशिश करेंगे। दुश्मन? आज से 6 महीने पहले
जब मैं अफ्रीका से वापस आ रहा था तो एक अजीब हादसा हुआ। प्लेन जब बैरूत एयरपोर्ट पर रुका और मैं क्लोक रूम में गया तो मैंने देखा एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। क्या हुआ आपको? तुम कहां जा रहे हो? दिल्ली। तुम मेरी शरीफ आदमी लगती हो। मेरा एक काम करोगे? तो ये दिल्ली में मेरा बेटा राजेश अशोका होटल दिल्ली उसे ही दे देना। ये क्या है? मेरा सब कुछ। भगवान तूने क्या? Sorry. Hey, good night. See you. जिन हीरो के पीछे मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी मेरी नजरों के सामने ना जाने कौन ले भागा। लेकिन उस साइकिल वाले की शक्ल नहीं देखी आपने? नहीं, लेकिन जो लोग हीरो के पीछे लगे हुए थे वो तो यही समझते होंगे कि वो हीरे उन्हें धोखा देकर मैं ले भागा। क्या आपके साथ भी कोई धोखा किया उसने? मुझे चिट्ठी भेजी। प्यारे दोस्त, इस समय तुम्हारा बेटा मेरे सामने बेहोश पड़ा है। मुझे अफसोस है, मेरे आदमी ने इस बेचारे को सारी रात बेदर्दी से मारा पीटा। तुम्हारे बेटे को छोड़ने की कीमत ये लोग 30 लाख रुपए मांगते हैं। तुम तो जानते हो उन मामलात में पुलिस की मदद बेकार होती है। मुलजिम पकड़ भी लिया जाए कैदी की लाश तक नहीं मिलती। मुझे महीने भर की मोहलत दी गई, लेकिन बेटा मैं अपना सब कुछ बेच कर भी 30 लाख इकट्ठा नहीं कर सकता। ए भगवान, कितना जहरीला है ये इंसान। एक मरते की दौलत उसके बेटे से छीन ली, मेरा बेटा मुझसे जुदा कर दिया, और वो कमबख्त खुद भी बाप है किसी लड़की का। अगर कोई उसकी लड़की को छीन ले जाए तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? सौदागर साहब, इस आदमी की लड़की की उम्र क्या है? ये कुछ 16-17 वर्ष की तो होगी। अगर हम किसी तरीके से इस लड़की को गायब कर ले तो? क्या मतलब?
इस लड़की को हम चंद रोज में कहीं छिपा दें और हम किशोरी लाल को मजबूर करें कि जब तक आपका बेटा रमेश नहीं आता, मेरे हीरे नहीं मिलते, उसकी लड़की वापस नहीं आएगी। नहीं 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 बेटा, ऐसा काम नहीं कर सकते। ये काम तो गुंडों का है। आप समझे नहीं सौदागर साहब, ये लड़की हम जबरदस्ती नहीं ले जाएंगे, वो खुशी खुशी मेरे साथ आएगी। सौदागर, राजेश ने बहुत अक्ल की बात की है। क्या कह रहे हो बंजीत भैया? ना तुम्हारे पास पैसा है, ना तुम पुलिस की मदद ले सकते हो, फिर तुम अपने बेटे को बचाओगे कैसे? मगर एक इतने अमीर आदमी की लड़की एक होटल में गाने वाले के साथ कैसे मिलेगी? रास्ते निकाले जा सकते हैं। मसलन राजेश नौकरी छोड़ दे और हम उसे किसी बड़े होटल में ठहरा दें और सेठ किशोर लाल के सामने उसे एक करोड़पति का बेटा बनाकर पेश किया। एग्जैक्टली या। लेकिन एक मर्तबा तुम्हारे साथ मुलाकात होने के बाद क्या गारंटी है कि वो तुमसे मोहब्बत करने लगेगी? आप फिक्र मत कीजिए, पहली ही मुलाकात में वो लड़की मेरी मुट्ठी में होगी। देखो बेटी, मैंने तुम्हारे नैनीताल जाने का बंदोबस्त कर दिया है। कल तुम अपनी आंटी के साथ जा सकती हो। सुपर, सिर्फ हम दोनों? नहीं, ये चारों भी। ओ गॉड बाबूजी, ये आपने क्या मुसीबत मुझ पर लगा रखी है? जहां जाती हूँ ये चारों टकले ऐसे मेरे पीछे। ज्यादा बात नहीं। चल काजल, जल्दी तैयार हो जा, ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए तुम्हें 6 बजे होटल पहुंचना है। एक्सक्यूज मी सर, आपसे कुछ बात करनी है। वो साइकिल जिसमें आपने हीरो की बेल्ट रखी थी, आपने पता नहीं लगाया किसकी थी? कोई पता नहीं लगा, एक मामूली सी साइकिल थी जिस पर एक काले रंग की टूल बॉक्स थी, उस पर दो ही अक्षर लिखे थे, एस और के। ये लेना, रख देना। ए संजय, ये क्या है यार? अच्छा तो मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। ओके। बाजी, ये देखिए, ये देखिए क्या चीज बनाई बनाने वाले। देखिए देखिए, लवली पीस। देखिए देखिए, खरीदा है क्या? अभी नहीं, बस आपको दिखाने लाया हूँ। देख लिया, वापस करा। बाबूजी, क्या है? इसकी कीमत ज्यादा नहीं है, एकदम सस्ता है, बिल्कुल सस्ता। बुड्ढा इन बातों में नहीं फंसता, वापस। ओ बाबूजी, लड़की कॉलेज की। संजू कितने नाल गल कर रहा है? की पता शाहजी? जानती हूँ संजय डियर, मैं जब तुमको फोन करती हूँ ना, तो पता नहीं कौन बुड्ढा फोन उठाता है और मेरी आवाज सुनते ही बहुत चिल्लाता है और फोन बंद कर देता है। अरे वो बुड्ढा तो मेरा बाप है। ओ गॉड, बड़ा जालिम है तुम्हारा बाप। अरे बड़ा जालिम है वो, देखो गिटार खरीदने के लिए पैसा तक नहीं देता। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पैसा दूंगी। संजू, जब तुम मुझे नहीं मिलते ना, जानते हो मैं क्या करती हूँ? क्या? मैं आंखें मूंद के बैठ जाती हूँ और फिर तुम अचानक मेरे सामने आ जाते हो, मेरा दिल मचल उठता है। मैं हाथ उठाकर तुम्हारा हाथ पकड़ लेती हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ लेती हूँ। ओए कुड़िये, चल यहाँ से, चल। खैर बदमाश, तू कितने जा रहा है? संजू, ये लड़की जो तुझसे मिलने आई थी, ये कौन है? कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी। उससे कह दे मुझे उसका यहाँ आना पसंद नहीं। आपको उसका यहाँ आना पसंद नहीं? हाँ, और तुझे भी पसंद नहीं। और मुझे भी पसंद नहीं। कह दे उसे ये। कह दूंगा उसको ये। शैतान कहेगा। बाबा जी, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मुझे किसी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं। जानता हूँ,
मगर डरता हूं बेटा, अगर कहीं कोई तू भूल कर बैठा तो क्या मुंह दिखाऊंगा अपने दोस्त किशोरीलाल को। उसकी बेटी काजल के साथ बचपन से तेरी शादी तय हो चुकी है। बाबू जी, कितने साल हो गए आपको उनसे बिछड़े हुए? 12 साल। मगर बेटा, तेरा मन कहता है कि मेरा दोस्त किशोरीलाल मुझे जल्दी मिल जाएगा, और काजल भी। उसके बाद जिस धूमधाम से तुम दोनों की शादी होगी वो जमाना देखेगा, जमाना। हाँ, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, तेरी बेटी काजल की जान बचा दी। और पता है किशोरी भैया खुद कितने बीमार है, इतने रोज हो गए, ना बुखार जाता है ना खांसी। राम कुमार, पिछले कुछ दिनों से ऐसे लग रहा है कि मैं इस बीमारी से अच्छा नहीं हो पाऊंगा। की गल्ला कर रहा है यार। दोस्त, एक वचन मांगता, दसो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटी को अपना लेना, इसकी शादी अपने संजय से कर। बड़ी खुशी से किशोरीलाल। ऐसे नहीं राम कुमार, ऐसे नहीं, भगवान के सामने सौगंध खाओ। आओ, मैं भगवान के सामने तुझे वचन देता हूं कि मेरा बेटा संजू अगर शादी करेगा तो तेरी बेटी काजल। राम कुमार। ओए पुत्र, जगा दे लाली मामा। वो दिन है और आज का दिन, हम आप ही को ढूंढ रहे हैं। यू स्टुपिड इडियट फूल। क्या बकरा? अरे बाबूजी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बाबूजी। बचपन की तस्वीर। अरे इसे क्या देखता है, अब तो वो जवान हो चुकी होगी, ऐसी सुंदर कि लोग उसे मलका है हुस्न कहे। क्या ख्याल है, कैसी लगी? She's fabulous. Fantastic. She's simply fantastic. तुझे पसंद है? पसंद? हाँ। क्या बॉडी है? हाँ। क्या रंगत? ओए पुत्र, आज तेरा जन्मदिन है ना, उस पर तुझे खास तोहफा। आई सी। अरे आई सी क्या, आजकल ऐसी गाड़ियां मिलती नहीं है, बहुत कीमती गाड़ी है। हाँ, वो तो शक्ल से ही दिख रही है बाबूजी। दिख रही है ना, तो इसी बात पर फिर ये ले चाबी। चाबी?
देख आज से तू इस गाड़ी पर चलेगा, तेरी ये साइकिल वाइकिल मैं अंदर बंद किए देता हूँ। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं अपना लकी टूल बॉक्स गाड़ी में रख देता हूँ। चलेगा। शाही की गड्डी थी तुझे, वाह 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 वाह। तेरी तो मैं एक राउंड मार के आता हूं। हाँ हाँ जा मारा राउंड। ओए तकिया तू ए गड्डी नहीं भाई जा जा भाई जा भाई जा जा ओ ले आ जरा अखबार पढ़ा। हेलो अखबार ले आ जा, तुसी अखबार पढ़ो मैं उन्हें आया जा। दिल्ली के मशहूर ताजिर और स्वदेशी पेपर मिल के मालिक श्री किशोरी लाल सेठ की इकलौती बेटी मिस काजल, जिन्हें सुंदरता के मुकाबले में पहला नाम दिया गया। अरे ये तो वही है। मैं भी वही और तुम भी वही, मगर तुम कहीं और मैं कहीं। आंटी ये भी हमारे साथ नैनीताल जाएंगे। काजल अगर ये लोग मिल जाएं तो तू संजय से शादी कर लेगी? क्यों नहीं, इनसे तो शादी मेरी बचपन में ही तय हो चुकी थी। अगर वो तेरी तरह पैसे वाले नहीं हुए तो? पैसा पैसा ही सब कुछ नहीं होता आंटी, लड़का भी मुझे पसंद होना चाहिए। हाँ क्या बातें हो रही हैं? बाबूजी आप अपने दोस्त रामकुमार जी और संजय की अब भी खोज कर रहे हैं ना? बहुत खोज कर चुका बेटी, अब तो उनको भूल जाना ही अच्छा है। क्या वो अब कभी नहीं मिलेंगे? कुछ ऐसा ही लगता है बेटी। अरे हाँ तुम लोग नैनीताल के लिए कब निकलोगे? जाओ बेटी जल्दी तैयार हो जाओ। नहीं आता ये उसी किशोरीलाल का घर है जिसके पास सर छुपाने को जगह नहीं थी। बाबूजी आज शादी की बात मत कीजिए। क्यों? आज नहीं फिर करें प्लीज। अरे तो अरे सिर्फ दाढ़ी का फर्क है, पर मैं वही हूं तुम्हारा पुराना दोस्त रामकुमार। कैसे हो रामकुमार? अरे पहले गले तो मिलने मेरे यार, मैं तो खुशी से पागल हो जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, दो तीन जरूरी बातें करनी है। रामकुमार तुम उधर बैठो मैं आया। हाँ बोलो सर। बॉम्बे इंटरनेशनल के लिए आज चेक भेजना है। कितने का? 10 लाख। ठीक है चेक तैयार करवा लो। ओके सर। कलकत्ते वाली पार्टी से 20 लाख का ऑर्डर आया है। एडवांस क्या भेजा? एडवांस में उन्होंने ये 5 लाख का चेक भेजा है। ठीक है और कुछ? सर आज सुबह 11 बजे बोर्ड की मीटिंग है। ओके हाँ रामकुमार कहो। बस सब भगवान की कृपा है किशोरीलाल। ये कौन है? तुम्हारा बेटा संजय? हाँ तुम्हारा संजू। ए नमस्ते कर। नमस्ते जी। देखा कितना बड़ा हो गया है, इसी साल बीए पास किया है। बस सबको अच्छी सी नौकरी देकर काम शुरू कर देगा। हाँ जानते हो किशोरीलाल तुम्हारे चले जाने के बाद मेरा मन भी नैनीताल से उचाट हो गया। मैं दिल्ली चला आया और उस दिन से लगातार तुम्हीं को ढूंढ रहा था। शुक्र है ईश्वर का कि उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। और रामकुमार देखो भाई इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे बोर्ड की मीटिंग में जाना है। तुम ऐसा करो 10-15 दिन के बाद मुझे टेलीफोन कर लेना, मैं तुम्हारे लिए जरूर वक्त निकालूंगा। किशोरीलाल इतने सालों के बाद तुम मिले और तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है। मजबूरी है रामकुमार, मेरा करोड़ों रुपए का बिजनेस है और मेरा एक एक मिनट कीमती है। तुम फिर कभी आना मैं जरूर तुमसे मिलूंगा। चलिए बाबू जी। खैर किशोरीलाल ये तो लग ही रहा है कि तुम बहुत बदल चुके हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ क्या तुम अपने वादे से भी बदल चुके हो? कौन सा वादा? संजय और काजल की शादी की सौगंध जो भगवान के सामने तुमने मुझसे ली थी। सौगंध तुमने खाई थी रामकुमार,
मैंने नहीं, मैं मानता हूं मेरे कहने पर, लेकिन वो वक्त और था। और तुम तो समझदार आदमी हो राम कुमार, मेरी आज की पोजीशन को देखते हुए तुम्हें ये पुरानी बात जुबान पर भी नहीं लानी चाहिए। चलिए बाबूजी। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। तो आप करिए, मैं यहां एक मिनट नहीं रह सकता। संजू, लड़का तुम्हारा होशियार है राम कुमार, बात समझने में वक्त बर्बाद नहीं करता। हाँ, वो समझदार है जो एक नजर में तुम्हें पहचान गया। मूर्ख हूं तो मैं जो अब भी अपने कानों पर एतबार नहीं होता। अब भी ऐसा लगता है कि दौड़ के तुम आकर मुझे अपने सीने से लगा लोगे और कहोगे ये सब मजाक था राम कुमार। मजाक? तुम समझते क्यों नहीं राम कुमार, आज से 12 साल पहले जो बात मैंने कही थी वो मेरी वक्त की कमजोरी थी, नादानी थी। क्या पता था कि तकदीर एक दिन मुझे उस ऊंचाई पर पहुंचा देगी कि फिर मैं अपनी बेटी की शादी एक गुमनाम अनपढ़ और मामूली आदमी के बेटे के साथ नहीं कर सकूंगा। गुमनाम अनपढ़ मामूली आदमी, और उसी गुमनाम क्या तूने एक दिन पनाह मांगी थी, उसी अनपढ़ के मकान की छत तेरा साया थी, उसी मामूली आदमी के यहां तूने महीनों रोटियां तोड़ी थी, तूने, तेरी बहन ने, तेरी बेटी ने। अरे बेशर्म, कुत्ता भी जहां टुकड़ा खाता है वहां वफादारी दिखाता है। तुझे तो कुत्ता कहना भी कुत्ते की बेइज्जती करना है। राम कुमार, हाँ हाँ, बुला ले अपने साथियों को। ओए नामर्द, असी पंजाब दे शेर है, पंजाब दे, कोई हाथ उठाकर तो देखे गाजर मूली की तरह काट के रख दूंगा। राम कुमार, अपनी खैरियत चाहते हो तो चले जाओ यहां से। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, मगर याद रख, जिस तरह आज तूने दोस्त की गरीबी का मजाक उड़ाया है उसे चाहे मैं भले ही माफ कर दूं, ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है किशोरी लाल, डर उस वक्त से जब न ये दौलत काम आएगी और न तेरी ये छूटी इज्जत। और उस वक्त एक बार फिर तू पनाह मांगता हुआ मेरे दर पर आएगा, लेकिन इस बार तुझे वहां भी पनाह नहीं मिलेगी। राम कुमार जी के साथ संजय भी आया था। हाँ। और तुमने दोनों को जलील करके निकाल दिया। जो अपराध तुमने किया है उसका जवाब तुम्हें भगवान को देना होगा। गाड़ी जो मैंने तुझे जन्मदिन पर दी थी, अगर वो तुझे पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुझे दूसरी खरीद दूंगा। बिल्कुल नहीं। हाँ। देख बेटे, तू फिक्र मत किया कर, जो कुछ तुझे चाहिए ना उसे मांग लिया कर। हाँ। बाबूजी, एक बात पूछूं? जो मुझे चाहिए आप मुझे दे सकते हैं? क्या चाहिए तुझे? मुझे मेरे बाबूजी के होंठ पर मुस्कुराहट चाहिए। मुस्कुराहट? जी, आज से ना आप किशोरीलाल के बारे में सोचेंगे और ना काजल के बारे में। तू काजल के बारे में नहीं सोचता? बिल्कुल नहीं। अरे बाबूजी, दुनिया भारी पड़ी हुई है हसीन चेहरों से, जब जरूरत पड़ेगी एक फूल उठाकर उसे कलम में लगा लूंगा। या तत्संत, अभी तो मसला है पैसे कमाने का, नौकरी का। नौकरी कहाँ करेगा नौकरी? बस कल से अखबार खोलकर नौकरी ढूंढना शुरू करता हूँ, देखिए किस्मत कहाँ ले जाती है। आप में से किसका ऑफर मुझे मंजूर होगा ये मैं कल तक आप लोगों को जरूर बता दूं। थैंक यू ऑल फॉर टुनाइट जेंटलमैन, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच मिस्टर दाना। थैंक यू। केयर फॉर ड्रिंक? श्योर, प्लीज।
Here you are. Thank you. Mr. Kishori Lal, आप ये जानना चाहते हैं ना कि आपका ऑफर मुझे मंजूर है या नहीं? जी. तो सुनिए, सिर्फ आप ही का ऑफर मंजूर किया जाएगा और किसी का नहीं. लेकिन आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? मंजीत सर, यह आपके बिजनेस और लैंडेड प्रॉपर्टी की पूरी रिपोर्ट. ओ, यह तुम्हें कहां से मिली? सर, मैंने स्विट्जरलैंड से अपना बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स पास किया है और वहां में सिखाया जाता है कि किसी का भी बिजनेस ऑफर मंजूर करने से पहले उसकी बाजार में क्या पोजीशन है जानना बहुत जरूरी है. वंडरफुल मिस्टर बंजीत, आपका लड़का बहुत होशियार. थैंक यू. शादी हुई इनकी? अभी हुई तो नहीं, लगता है बहुत जल्द हो जाएगी. किससे? बता दूं इनको? बताने से फायदा क्या है डैड, फैसला तो किया नहीं मैंने. लड़की तो पसंद है ना? जी पसंद तो है जी, लेकिन मैं उससे मिला नहीं, सिर्फ देखा है. कहां? बात ये सर, कल यहां एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट था और जो लड़की ब्यूटी क्वीन बनाई गई, नाम उसका काजल. हां जी काजल. लेकिन आपको कैसे मालूम सर? क्या बात है, आप जानते हैं उसे? जानता? अरे जनाब, वो तो मेरी बेटी है. बेटी? जी हां. माय गॉड. मंजी, सुना तुमने, काजल इन्हीं की बेटी है? आई एम सॉरी सर, हैरत की बात है. यहां हैरत तो मुझे है अपनी तकदीर पर. आया था बिजनेस डील के लिए और बात कहां से कहां पहुंच गई. वाकई तकदीर का खेल है. मैंने अभी काजल से मिलवा देता, लेकिन वो आज सुबह नैनीताल चली गई. नैनीताल? हाँ, नैनीताल में तो हमारा भी एक मकान है. अच्छा? जी हाँ, पुराने वक्तों की जायदाद है, नौकर चाकर है, एस्टेट मैनेजर भी है. तो ठीक है, इनको वहीं भेज दीजिए, काजल से वहीं मुलाकात हो जाएगी. क्यों बेटे? वेल ओके, आई एम ठीक है, मैं चला जाऊंगा. अच्छा तो मैं इजाजत लूंगा. गुड नाइट. गुड नाइट. रामा दादा बोलो. ये रहा आपका लंदन का टिकट. लंदन पहुंचते ही ये खत सुनीता को दे दीजिएगा. हाँ. और सुनीता के बाप से कह दीजिए जो मर्जी मैं कर लें, सुनीता मुझे छोड़कर कभी किसी और के साथ शादी नहीं करेगी. ठीक. और हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए नैनीताल जा रहा हूँ, वहां का टेलीफोन नंबर आपको तार देकर खबर कर दूंगा. ओके, बेस्ट ऑफ लक. हाँ डैड, ये आपने अच्छा किया, मेरा सामान नैनीताल पहले से भेज दिया. देखो बेटा बंजी जी, ये है वो नौजवान जिसे हम तुम्हारे लिए रखना चाहते हैं. आजकल कहां काम करते हो? कहीं नहीं. गुड. Well, you're on the job. Thank you, sir. And don't call me sir. We are friends, huh? Oh, I'm honored, sir. देखो, ये है मकान का पता. जी. चाबी. और ये है तुम्हारा एडवांस. Thank you, sir. You can go now. Thank you, sir. Thank you, sir. See you soon, huh? Hello, operator. Put me to room number 425. Hello, भैया. मैं होटल की लॉबी से बोल रही हूँ. ऊपर आ जाओ. नहीं माला, तुम एक काम करो, नीचे कॉफी शॉप में मेरा इंतजार करो, मैं भी आता हूँ. ओके. आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी मिस मिस माला. हियर आर योर बुक्स. इट्स ऑल राइट, माय फॉल्ट टू. माला. ओह भैया. हेलो सर. हाय भैया. मैं नहीं जानता हूँ, ये मेरी बहन माला है. आई सी, प्लीज टू मीट यू. सेम हियर. राइट सर, सी यू. कैसी है? आओ तुमसे बातें करनी कॉफी शॉप में. यही है वो लड़का? हाँ जैक, यही हमें उस लड़की तक पहुंचाएगा. काजल? हाँ काजल. और इस बंगले की देखभाल मैं करती हूँ. क्या नाम है तेरा? मेरा नाम मीठू. मीठू? हाय रब्बा, की ना है कुड़ी दा. देख लड़की, एक काम करेगा तुझे पैसा मिलेगा. हाँ साहब,
साहब साहब, अभी अभी दिल्ली से ट्रक आया था, बहुत सारा सामान लेके आया है। वो उस लड़के मंजीत का सामान होगा। चल प्रकाश, बहुत काम करना। जवाब नहीं दीदा कहीं का। हेलो, कौन बाबूजी? काजल बेटी, सुनो क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है बाबूजी, मेरे सिर पर चार भूत सवार है। हाँ बोलिए बाबूजी। अच्छा सुनो, हांगकांग के एक बिजनेसमैन है, उनका बेटा मनजीत कुमार नैनीताल आ रहा है। हाँ, उसने तुम्हें ब्यूटी कॉन्टेस्ट में देखा था, लड़का बहुत ही खूबसूरत और शरीफ है, मुझे बहुत पसंद है। उससे जरूर मिल लेना। जरूर मिल लूंगी। गुड नाइट। हेलो। हाँ देखो मैनेजर, कल शाम हमारा बेटा मनजीत यहाँ से रवाना हुआ था, लेकिन अभी अभी उसका किसी गांव से फोन आया है कि नैनीताल जाने वाली सड़क पर लैंडस्लाइड हुआ है और रास्ता बंद हो गया है। हाँ सुनो, तुम फौरन एक काम करो। जी फरमाइए। तुम माल रोड पर बंगला नंबर 15 पर चले जाओ, वहां दिल्ली के सेठ किशोरी लाल की लड़की काजल ठहरी हुई है। जी, क्या नाम लिया आपने? सेठ किशोरी लाल की लड़की काजल। जी, कल या परसों जैसे ही वहां पहुंचेगा वो काजल को फोन कर लेगा। वो काजल को फोन कर लेंगे? काजल नहीं, मिस काजल का। जानते नहीं उसकी शादी हमारे बेटे मंजीत से होने वाली है। आई एम सॉरी सर। ऑलराइट सर। मंजीत कुमार दाना, क्या फर्क है तुम में और मुझ में? अगर है तो सिर्फ दौलत का, और उसी दौलत के सहारे तुम आज उस लड़की को भी छीन रहे हो जो तुमसे पहले मेरी बनाई जा चुकी थी। मगर मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। काजल मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी। क्या करने जा रहे हो संजय? अनजान सोचा है? मिस्टर मंजीत कुमार दाना, मेरा नाम काजल है। मेरे बाबूजी ने मुझे दिल्ली से फोन किया था आपसे मिलने के लिए। Oh, yes, 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 yes. Please do come in. आइए आइए. Please come in. आंटी आइए. नमस्ते आंटी. जीते रहो बेटे. बैठ सकते हैं? जी जी, तशरीफ रखिए, आइए. आंटी बैठिए. दरअसल मैं ये ये आपके बड़ी गाज से। आई सी। अच्छा बेटा, तुम काजल से बात करो, मुझे जरा काम से जाना है। अच्छी बात, नमस्ते जी। जीते रहो। काश तुम मेरे बचपन के साथी होते। कैसे कहूं, मैं तुम्हारे बचपन का साथी हूँ। बाबूजी कहते हैं संजय कभी नहीं मिलेगा, उसे भूल जाना ही अच्छा है। मैं तुम्हें भूल जाना चाहता था, मगर अब मिलने के बाद तुम्हें भुलाना बहुत मुश्किल होगा। सोचता होगा मैं खामोश क्यों? सोचती होगी मैं खामोश क्यों? हाँ, हाँ तो मिस। ये लोग क्या आपके साथ हर जगह जाते हैं? हर जगह?
आप तो जी नहीं घबराता? बहुत घबराता है। अगर इन लोगों को हम धोखा देकर यहाँ से भाग जाए तो बड़ा मजा आएगा, मगर कैसे? कौन है वो लड़की? माली की लड़की। आइडिया बन गया, मेरे साथ तेज आइए, आइए आइए। प्रकाश कहाँ है? बचा लाने गया है। अच्छा सुन, लेकिन मैं पहनूंगी क्या? ये लो। वेरी गुड वेरी गुड, मैं इन लोगों को चकमा देके अभी आया। हाँ चल, कम ऑन जल्दी। अरे मेरी कुड़ी ले गया। कर्नल सुबोध मुखर्जी। देखो माली जी, हम क्लब जा रहे हैं जी। हमारा भतीजा सोमू दिल्ली से आने वाला है जी। उससे कहना जी कि हमें क्लब में टेलीफोन कर जी। और देखो जी, मकान का ख्याल रखना जी। आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं। माली हमारे प्यारे अंकल कहाँ हैं? कहाँ हैं? क्लब गए हैं, आपको फोन करने का बोले। ठीक है, तुम जैसा बनाओ कोई। जी साहब। ऑपरेटर, गिव मी 79 प्लीज। हाँ देखिए, मुझे कर्नल साहब से बात करना है, जरा जल्दी बुलाइए, बहुत जरूरी काम उनसे। जी हाँ। हाँ कर्नल साहब, मैं आपके पड़ोसी बोल रहा हूँ, जल्दी से वापस आइए, आपके घर में चोर घुसा है। जी हाँ चोर। माली, माली। और आपके माली को मारकर बेहोश कर दिया है। जी हाँ जल्दी वापस आइए, चल जल्दी कर। तुम उस तरफ जाओ और तुम इस तरफ। बदमाश मेरी छोकरी लेकर भाग गया, आज आ तो सही तू, आज तो मैं कौन? Shut up! Shut up? कमाल, मेरे कपड़े पहन के मुझे ही shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! क्या हुआ? तुम लोग कपड़े बदलो, दांतों बांध लो, जा। याद रख प्रकाश, मैं संजय नहीं हूँ। तू संजय नहीं है। मैं मंजीत कुमार दाना हूँ। तुम मंजीत कुमार दाना हो? तुम मेरे नौकर हो। तुम मेरे नौकर हो? मैं नहीं, तू मेरा नौकर है। मैं नहीं, तू मेरा नौकर है। Shut up! Shut up! आंखें फाड़े क्या देख रहा है? Shut up, shut up, shut up, shut up! पीछे हटो, बीच में क्या कर रहे हो?
बीच में क्या कर रहे हो? निकल जाओ। वो देखिए मैम साहब। बड़ी प्यारी धुन है, क्या गाना है? सुनिएगा। तो सुनिए। चांद मेरा दिल, चांदनी हूँ तुम, चांद से है तू, चांदनी कहाँ लौट के आना है, यही तू जा रहे हो, जाओ मेरी जान। Wow, beautiful. Thank you. ये गाना दक्षिण का है और ये तभी गाया जाता है जब कोई किसी से प्यार करता है। आपने पूछा नहीं कि मैंने ये गाना क्यों गाया? हमारे पूरब में भी एक गाना है जो कि आप लड़की का जवाब समझ सकते हैं। अच्छा, क्या है वो गाना? Thank you.
बोली हो तुम क्या जानो, अब भी मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ मानो या ना मानो। बोली हो तुम क्या जानो, अब भी मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ मानो या ना मानो। देखो नादानी से मुझे ना ठुकराना, नहीं तो गाती ही रहोगी ये तराना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। मैं सवेरे से ही सोच रही थी कि जैसे ही तुम आओगे मैं तुमसे कहूंगी। क्या? आप कुछ कहने वाली थी? कुछ नहीं। बोलो ना। वो देखो कितनी प्यारी तितली है ना? होगी। आप कुछ कहने वाली थी? यही कि मैं नैनीताल आकर बहुत खुश हूँ। और मुझसे मिलकर भी? हाँ। तुम्हें पता है मेरा बचपन तो यही नैनीताल में गुजरा था। अच्छा? हाँ, और बचपन में यही मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त भी था। दोस्त? नाम याद है उसका? हाँ, संजय। संजय? इस नाम के एक लड़के को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उनके पिताजी का नाम रामकुमार जी है। हाँ, रामकुमार जी। कहाँ रहते हैं वो? यही नैनीताल में। चलो मुझे अभी ले चलो। इतनी बेचैनी? देखो मंजीत, अगर तुम उन्हें सचमुच जानते हो तो मैं समझ गई, तुम किसी संजय को नहीं जानते, तुम झूठ बोलते हो। झूठ? देखो काजल, मैं ओह माय गॉड, लगता है पुलिस ने जल्दी छोड़ दिया। रहने दो उन्हें। मंजीत कहो ना, क्या तुम सचमुच संजय को जानते हो? देखो काजल, एक काम करते हैं, आज शाम को मैं उसे अपने घर पे बुला लेता हूँ, तुम वहाँ आके उसे मिल लेना। ओके, कितने बजे? 5 बजे। ओ यूर डार्लिंग। अब मुझे ना तुम्हारे कपड़ों की जरूरत है ना तुम्हारे नाम की। आज संजय काजल के सामने होगा, उसकी हाँ या ना किस्मत का फैसला कर देगी। बड़ी जल्दी आ गई। हाय समथिंग रॉन्ग? Oh no, not at all. Welcome, sir. Welcome, sir. Come in. Thanks. अरे यार, बैठूं कहाँ? जी, जी, जी उस तरफ जी. Thanks. Thanks very much. Operator, 75, please. Hello. हाँ आंटी जी, देखिए मुझे काजल से बात करना है। क्या निकल गई? अच्छा अच्छा ठीक। देख प्रकाश, मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर मंजीत मुझे आ गया। गुड है ये कार्टून कौन है? ये अपना बावर्ची प्रकाश है। बड़ा बेवकूफ है। चलो I'll get it. Hi. मेरा नाम मंजीत कुमार ताना है। जी? नाम नंबर? आप मुझे सिर्फ मंजीत कह सकती हैं। आइए, come on in. आइए ना। हाँ।
दरअसल मैं यहाँ कल आने वाला था, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से मुझे मजबूरन रुकना पड़ा। आपको मेरे मैनेजर ने तो खबर कर दी होगी। मैनेजर? जी हाँ मैनेजर, खबर की थी ना आपको? जी। आप खड़ी क्यों हैं? तशरीफ रखिए ना प्लीज। सुनो मैनेजर, गरम गरम चाय हो जाए। जी गुड। जानते हैं आप, मैं यहां पहुंचते ही आपको टेलीफोन करने वाला था कि मेरी तकदीर, मारे कुर्बान जाओ तेरे, घंटी बजी और आप मेरे सामने। मुझसे मिलकर आप कुछ खुश नजर नहीं आ रहे। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं। देखिए, मुझे आप इतनी जल्दी रिजेक्ट ना कीजिए। अगर ना मंजूर करना भी है तो 2-3 रोज बाद, वो इसलिए कि मैं सोच सकूं अगर मुझे जान देनी है तो कैसे दूं, जहर खा के, रस्सी के फंदे से या पहाड़ी से छलांग लगा के। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ देवी जी, मैं हांगकांग, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, दुनिया भर में घूमा हूं, लेकिन सारी धरती पर एक शक्ल, एक सूरत, एक मुखड़ा ऐसा नहीं मिला जो पलट के दोबारा देखूं। लेकिन आप, सुभान अल्लाह, आपको देखा तो देखता ही रहा, होश उड़ गए, पागल हो गया, दीवाना हो गया, मैड क्रेजी, एब्सोल्यूटली सॉन्ग्ड। बात ये है, मेरे सिर में दर्द है। लो एक मिनट में ठीक कर देते, लेकिन एक बार आप मुस्कुरा तो दीजिए। जी Will this do? क्या बात है, धूप निकल आई, फूल खिल गए, शबनम चमकी, बाग महके, गुलशन दहके, दुनिया लाला सार हो गई। मैनेजर, देवी जी के गरम चाय। मैं सरदर्द की गोली अभी ला। एक्सक्यूज मी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। शट अप। मैं किसी के पेट पर लात नहीं मारना चाहती, वरना मंजीत को बता दूं तो वो अभी तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। मगर मेरी बात तो सुनो। तो कौड़ी के मैनेजर होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? देखो काजी, देवी जी, दर्द सर के लिए हांगकांग के मशहूर डॉक्टर किंग कांग की वो गोली है जिसे आदमी खाता ही बिल्कुल पिंग पोंग बन जाता। खा के देखिए। हाय मेरे सद के जाओ, क्या हस्ती हैं आप, बुलबुले उड़ गई। इससे लीजिए। थैंक यू। आपको पता है यहाँ एक आज जबरदस्त प्रोग्राम है। कहाँ? नैनीताल क्लब में। देखिए, ऑल इंडिया पॉप कंपटीशन, जो सबसे अच्छे नाचेगा गाएगा उसे गोल्ड मेडल मिलेगा। आप जा रहे हैं? जा रहा हूँ। हुजूर चल के तो देखिए, गोल्ड मेडल हमारे ही गले में होगा। चलेंगी ना आप? जरूर चलूंगी। हाय, अब तो फाकता उड़ा दी मेरी। मेन साहब आप साथ में हो तो देखिए चल। मैनेजर सर, कौन है उल्लू के पट्टे? जी ये मिस काजल के बॉडीगार्ड्स हैं। आई सी। माफ करना भाइयों, मुझे अभी अभी बताया गया कि आप बॉडीगार्ड्स हैं, उल्लू के पट्टे नहीं। तो मैं क्या ये तुम्हारे साथ हमेशा जाते हैं? जी। क्लब भी जाएंगे? जी। क्यों? बाबू जी का हुक्म। ऐसे तो फिर चला चलो चलो। हेलो शेट्टी, लेट्स गो। हुकुम, आपके यहाँ जुलाब की दवा है घोड़ों के लिए? जी हाँ। जमाल गोटा, कितने घोड़े हैं आपके? 4। तो ये लीजिए, 4 घोड़ों को 4 दिन की दवा है, एकदम पेट साफ कर देगी। कीमत 5 रुपए। वेरी गुड, थैंक यू। कमाल कर रही है आप, फिर क्लब में मेरा डांस कौन देखेगा? हाँ बड़ा, हम दोनों की 2 कोक और आप हजरात क्या लेंगे? कुछ नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है बरादर? बड़ा साहब लोग गरम गरम चाय लाओ। बहुत अच्छी। हुँ?
मैग्नेटिक। मैग्नेटिक 100% मैग्नेटिक। मैं आपको उसका चक्कर समझाता हूँ। ये बटन देखिए, इस बटन को दबाने से ये घड़ी मैग्नेटिक हो जाती है और भारी से भारी चीज खींच लेती है। आई सी। शुक्र खुदा का मुस्कुराएं तो। मैं जरा अभी आता हूँ, फोन करना है ना। हाँ साहब, हाँ जरूर जरूर। हाँ जरूर, चार कमरे मिलेंगे आपको। हाँ कितने? तुम दो आदमी हो, चार कमरे। ये हमारा होटल। हाँ जी ठंडा नहीं, बर्फ लगेगी। अभी बदली कर। हाँ हर बाथरूम में कमरे हैं, मेरा मतलब हर हर कमरे में बाथरूम है। आइए जरूर जरूर। हाँ भाई, हर टाइप का खाना मिलता है यहाँ। रोस्ट कटलेट, कबाब, खीमा, टेबल लगे, बिरयानी पाया, हाँ मिलता है। आप आइए तो। अच्छा थैंक यू। क्या बात है सर? आपको टेलीफोन करना है। फोन? हाँ यस, फोन करना है। क्या नंबर है? नंबर 9998। ऑपरेटर 9998। 9797 9695 9493 9291 90। नंबर पसंद नहीं है? चले दीजिए। अब इन चार टुकड़ों का मजा देखिएगा। क्या मतलब? मैंने इनकी चाय में जमाल गोटा मिला दिया है।
एंड जेंटलमैन, नाच गाने के इस मुकाबले में ये पांचवां चैलेंजर था जिसे मिस्टर मनजीत ने हराया है। अब अगर 15 सेकंड के अंदर कोई नया चैलेंजर फील्ड में नहीं आया तो इनाम मिस्टर मनजीत को दे दिया जाएगा। रिमेंबर 15 सेकंड्स टू गो। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम जाओ मेरी जान। वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग सनम, मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से, ओ दिल की दोस्ती खेल नहीं कोई, दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से, यही तो है सनम प्यार का ठिकाना, मैं हूँ चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान, जाओ तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है?
अभी अभी आए बेटे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाउ आर यू मंजीत? सुपर एंड टेरिफिक सर, थैंक यू। हाँ ये तो बताओ तुम लोग कहाँ गए थे? जी क्लब गए थे। बाबूजी ये लोग कौन थे? नए बॉडीगार्ड्स, पुराने वाले निकम्मे थे, उन्हें मैंने निकाल दिया। हाँ बेटा दिल्ली में मैं तुम्हारे डैडी से मिला था, वो भी जल्दी आने वाला है। डैडी का टेलीफोन आने वाला है, मैं जा सकता हूँ। ओके आओ मैं तुम्हें पहुंचा देता हूं। आओ आओ। ये है वो एडवांस जो आपके पिताजी ने मुझे दिया था। मगर तुम्हें नौकरी छोड़ना क्यों चाहते हो? कोई मजबूरी है वरना आपसे कोई शिकायत नहीं। अच्छा काम करो, मुझे दूसरे मैनेजर का इंतजाम कर लेने दो फिर चले जाना। एक आध उसकी बात है। ठीक है। कीप दिस मनी। ओह नो नो थैंक यू। अरे संजय बाबूजी का खाता है, शिवरात्रि की पूजा के लिए आ रहे। मैंने ये नौकरी छोड़ दी। बस भाग खड़े हुए? अरे लोग तो प्यार में खून खराबा कर देते हैं। अरे क्या भाग रही है? मैं ठीक कह रही हूँ, मंजीत ने इसके प्रेमिका को छीना है, इसे मंजीत का खून कर देना चाहिए। अरे ये नहीं कर सकता तो मैं कर सकती हूँ। अरे जा बढ़िया ही खून करने वाली। हेलो कॉफी लेमन? ये प्लीज पुट मी थ्रू। होल्डिंग। हेलो राजेश बेटा, मैं रामू दादा बोल रहा हूँ लंदन से। हाँ रामू दादा बोलिए, आप सुनीता से मिले? कैसे मिलता बेटा, उसकी तो शादी हो चुकी है। शादी? क्या कह रहे हो? हाँ बेटा अब उसे भूल जाना ही अच्छा है। सुनीता ने शादी कर ली। सुनीता ने शादी कर ली। तुम्हें याद दिलाने को मेरे दिल में बस तुम ही तुम हो। कोई दूसरा नहीं आएगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है सुनीता। और मुझे अपने राजू पे बिल्कुल नहीं। मेरे डैडी का कहना है कि तुमसे बड़ा दिल भी सारे लंदन में नहीं है। जहां चिकनी सूरत देखते हो फिसल जाते हो। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी चिकनी सूरतें आ चुकी हैं, जा चुकी हैं, आती रहेंगी जाती रहेंगी। तो फिर क्यों प्यार करती हो मुझसे? क्या करूं, तुम्हारी सूरत ही इतनी चिकनी है कि जी फिसल जाता है। चिकनी की बच्ची। घबराओ नहीं, डैडी पेरिस चले गए हैं, वरना मैं तुम्हें घर पे बुलाती। वो तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे डैडी के गुस्से से बहुत डर लगता है। मालूम है वो मेरी शादी मोतीराम जी की बेटी रंजीत से करना चाहते हैं। और तुम? ये पूछने की जरूरत है? Thank you.
आइए आइए मोतीराम जी, आओ बेटा रंजीत आओ। नमस्ते अंकल। जीती रहो बेटी। डैडी आप तो। हाँ बेटे, मैं पेरिस नहीं जा सका। बर्मिंगहम से इन लोगों का टेलीफोन आ गया था कि ये लोग लंदन आ रहे हैं। आज चूंकि हिंदुस्तान की यौमे आजादी का जश्न मनाया जा रहा है ना, तो इस सिलसिले में ये लोग यहाँ आए हैं और यहीं रहेंगे। मोतीराम जी, ये है मिस्टर राजेश। प्लेजर टू मीट यू सर। मिस्टर राजेश, ये है मिस्टर रंजीत, मोतीराम जी के साहेबजादे और मेरी बेटी के होने वाले पति। हाँ तो मोतीराम जी, आप लोग तैयार हो जाइए। सुनीता बेटी आइए। Get out. मुझे आपसे कुछ कहना है। I say get out. आपको शायद खबर नहीं, आज यौमी आजादी के जश्न पर मैंने और सुनीता ने कव्वाली तैयार की है, और आज हम दोनों मिलकर ही गाने। To hell with you and your कव्वाली। मेरी बेटी तुम्हारे साथ कोई प्रोग्राम नहीं करेगी। मैं क्लब वालों को जबान दे चुका हूँ, मेरी इज्जत, मेरी बदनामी हो जाएगी। I don't care. यह आपका आखिरी फैसला है? Yeah. तो फिर आप भी सुन लीजिए मिस्टर केवल चंद, आपकी बेटी सुनीता आज ही नहीं, जिंदगी के हर कदम पर मेरा साथ देगी। ये जानते हुए कि मैं और सुनीता एक दूसरे से दीवानावार मोहब्बत करते हैं, आप उसका रिश्ता कहीं और जोड़ना चाहते हैं, मगर ये आपकी मनमानी हरगिज़ नहीं चलेगी। आप हम पे जुल्म कर सकते हैं, सदमे पहुंचा सकते हैं, जमीन में जिंदा काट सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को कभी अलग नहीं कर सकते। ये मत समझिएगा कि मुझे चांटे का जवाब देना नहीं आता। अगर मेरे हाथ नहीं उठे तो इस ख्याल से कि कल को मेरा आपसे कुछ और रिश्ता होने वाला है। तो वही हुआ जो मैंने कहा था। वो तो कवाली गाने वाली नहीं। सुनो, ऐसा करते हैं, सुनीता की जगह अरुणा को बिठा देते हैं, इसे पूरी कवाली याद है। नहीं, सुनीता की जगह खाली रहेगी। लेकिन सुनीता वाला भाग गाएगा कौन? सुनीता ही गाएगी। लेट्स गो। दोस्तों, यौमे आजादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथ ही आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं, मगर उससे पहले मुझे इतना कहना है कि आज की कव्वाली महज कव्वाली नहीं, मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। अगर यह कव्वाली पूरी नहीं हुई तो मेरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा यह वादा है, या तो वो हार जिन्होंने मेरे गले में यह हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा यह हार पहनाएंगे, या आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। अगर दुश्मन है, अगर दुश्मन दुश्मन जमाना, गम नहीं है अगर दुश्मन दुश्मन जमाना, गम नहीं कोई आए ए, 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 ए,
किसी से कम नहीं है अगर दुश्मन दुश्मन जमाना गम नहीं कोई आए कोई हम किसी से कम नहीं है अगर दुश्मन दुश्मन जमाना गम नहीं है अगर दुश्मन दुश्मन मोहब्बत के चलन को जो भी हो जाए के अब तो सरस बांधा है कफन को हम तो दीवाने दिल जले जुल्म के साए में पले डाल कर आंखों को तेरे रुखसारों पे रोज ही चलते हैं हम तो अंगारों पे खंजर दुश्मनों की जुबान बैठे हैं तेरे दर पे तो कुछ करके उठेंगे या तुझको ही ले जाएंगे या मर के उठेंगे आज हम जैसे जिगर वाले कहां जख्म खाया है तो दुनिया आज तो दुनिया दुनिया मैया हम नहीं कोई आए कोई हम किसी से कम नहीं है अगर दुश्मन दुश्मन जमाना गम नहीं है अगर दुश्मन दुश्मन
और बोले भी तुम लोग सामान अंदर कमरे में रखो। क्या बात है राजेश, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। लंदन में एक लड़की के साथ मेरी शादी तय थी, कल उसकी शादी किसी और के साथ हो गई। ओह गॉड, खैर सौदागर साहब नहीं आए? बीमार है वो, दो एक रोज में आ जाएंगे। काजी के साथ बात कहां तक पहुंची? काजल को लाने के बाद उससे हम कहां छुपाएंगे, इसके बारे में आपने कुछ सोचा? यहां से करीब 300 मील दूर हिंदुस्तान की सरहद के बाहर एक ऐसा इलाका है जो किसी का नहीं। वहीं एक कॉटेज में हम लड़की को रखेंगे और जैसे हमारी शर्तें पूरी हो जाएंगी हम लड़की को वापस भेज देंगे। मगर काजल को सरहद के पार कैसे ले जाएंगे? उसके लिए मैंने एक हेलीकॉप्टर और पायलट का इंतजाम कर लिया है। वैसे मुझे भी हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है। वेरी गुड, तो फिर ऐसा करो, पोलो ग्राउंड के पीछे जो मैदान है वहां कल काजल को लेकर तुम 11 बजे आ जाना। ओके। मगर काजल के बॉडीगार्ड्स? उनसे पीछा छुड़ाने का रास्ता मैं सोच चुका हूं। कम ऑन ब्यूटीफुल, ग्रेट जॉब मैनेजर, आई लाइक इट। ए छोकरी, दोनों घोड़ा ठीक ठाक है कि नहीं? जी हाँ चौकस, ये सफेद वाला घोड़ा आपके लिए है। नहीं नहीं, वो मुझे पसंद है। नहीं नहीं, इस पर साहब बैठेंगे, इस पर मैं बैठूंगी। तुम नहीं। बोलता बहुत है, चलिए अब सीधे। दैट्स ग्रेट, हां तेरी ते रेडी, लेट्स गो। हां बड़ा गजब हो गया संजय बाबू, उन्हें जाके रोकिए, वो सफेद वाला घोड़ा पागल है। पागल? हाँ, उसे जैसे चाबुक मारा वो बेकाबू हो जाएगा। क्या बकरी है? मैं समझी थी मंजीत सफेद वाले घोड़े पे बैठेगा और आज ही खत्म हो जाएगा। अरे पागल दीवानी। Catch! Come on, go and pull!
आजम मजनू पकड़ना, छोड़ना मत। कदम और। कदम और मुझे 2 इंच में 2 इंच। शाबाश, शाबाश। चाप। कैच, कम ऑन, आजा। Done it, guys, we've done it! मनजीत बेटे, जिस तरह से आज तूने मेरी बेटी काजल की जान बचाई, उसे मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। और देखो बेटी काजल, आज से बेजरूरत घर से बाहर जाना बंद, घुड़सवारी बंद। मनजीत बेटे के साथ जाना भी हो तो ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, बॉडीगार्ड साथ होंगे। बॉडीगार्ड साथ में? हमेशा। अकेले में बात करना है तो ये घर मौजूद है। पालती बहन, आओ जरा, तुमसे कुछ कहना है मुझे। क्या हुआ? अजीब टाइप के आदमी तुम्हारे बाप। जब देखो बॉडीगार्ड्स। देखो काजल, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, और अगर इन 3 मुस्टर्डों के साथ घूमना है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इतना गुस्सा? बिल्कुल। कल ठीक 10 बजे नंदी हिल पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, और तुम बिल्कुल अकेली आओगी, समझे? But that's impossible. फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, और अगर तुम नहीं आई ना तो मैं यहाँ से ही नहीं तुम्हारी जिंदगी से भी चला जाऊंगा। मनजीत, अगर तुम आज काजल को ले आते तो हमारा काम 2-3 दिन में बन जाता। मगर वो कल सुबह 10 बजे मुझसे मिलने आ रही है नंदीहिल पर। आपका हेलीकॉप्टर तैयार है ना? तैयार है, मगर हो सकता है वो हेलीकॉप्टर में बैठने को तैयार ना हो। उसकी तरकीब मैंने निकाल ली है। शराब? आज एक सफेद घोड़े ने मुझे धोखा दिया, कल इस सफेद घोड़े का सहारा लूंगा। देगा, तुमने आज मेरा दिल तोड़ा काजल, इसलिए आज मैं रो रहा हूं। कोई बात नहीं, मगर इतना याद रखना बेवफा, मैं तेरे गम में पी पी कर मर जाऊंगा, मर जा। क्या लेने आए हो? हाँ? हेलो, मैं अकेले आई हूँ। क्या है मुझे? चोरी चोरी निकलने में जरा देर हो गई। तुम जीवन पर जो कुछ भी करोगी वो चोरी चोरी, सीना ठोक कर कुछ निकल पाओगे। जानते हो, कल रात बाबूजी ने फिर कहा था कि अगर तुम कहीं भी अकेली गई तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। खाल उधेड़ देंगे? वाह वाह वाह, वो कसाई क्यों नहीं बन जाते? उनसे कहो कि एक मैली सी बनियान और फटी लुंगी बांध कर भेड़ बकरियों की खाल उधेड़ करे, उनका शौक भी पूरा हो जाएगा और पैसे भी मिलेंगे। बढ़ाया दादागिरी करता है। इतनी शराब मत पियो। क्यों नहीं पियो? मेरा दिल टूटा है, तुम्हारा नहीं। मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें पूजा, अपनी जान तक पर खेल गया तुम्हें बचाने के लिए, और तुम्हें मुझसे प्यार तक नहीं। मैं वादा करती हूँ, आज से तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। झूठ! आजमा कर देख लो। किसी भी बात के लिए ना नहीं कहोगे? कभी नहीं। शराब पियो। क्या? शराब, और जब तक मैं ना कहूं बोतल होठों से लगी रहे। जी खोल कर पियो, आज तुम्हें बहुत दूर जाना है काजल, और वापसी मेरे हीरे मिलने के बाद। बस 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 बस। ए, तुम रो क्यों रही हो? तुमने मुझे शराब पिलाई। तो? मैंने पाप किया है। पाप? मुझे कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? सब जल रहा है। अच्छा, बाबा रे बाबा, सब घूम रहा है। ओह गॉड, अब क्या हुआ?
अरे तुम्हारा मुंह कैसा हो गया? बाप रे, ये तो मोटा मोटा बिल्कुल डबल रोटी जैसा। हे, आई से इट्स नॉट अ बैड थिंग। यस आई लाइक इट। यू डू? ओह या। मस्ते शाला। क्या कर दिया? बोलो, तुम हमको छोड़ के जाएगा? बोलो। नहीं नहीं, क्यों क्यों जाएगा, पागल है? हमको प्यार करता है? बहुत करता हूँ। शादी करेगा? बिल्कुल करूंगा। चलो पप्पी करो हमको। क्या पप्पी? ये सब शादी के बाद। शादी के बाद? शादी के बाद? शादी के बाद। ये क्यों? आजमा रही थी तुमको। सोचो, शादी के बाद हमारा झगड़ा हुआ और मैंने तुम्हें एक थप्पड़ मार दिया तो तुम क्या खफा हो जाओगे? ऐसी कोई बात नहीं है। शादी के बाद आप एक नहीं तीन थप्पड़ मार सकती है। 1, 2, 3 का। वेरी स्वीट। यस आई एम वेरी स्वीट। तुम बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो? टाइम देख रहा था। तुम टाइम देख रहे हो? ओ, मैं समझी तुम टाइम देख रहे हो। क्या टाइम है? 11:28। 11:88। बाप रे, क्या हुआ? मैं जाती हूँ, मेरा बाप मुझे पकड़ लेगा। अरे काजल, हमको तो यारा तेरी यारी जान से प्यारी, तू चाहे तोड़ दे तुझको दीवाना, कैसे छोड़ दे, कैसे छोड़ दे। हे, हमको तो यारा तेरी यारी जान से प्यारी, तू चाहे तोड़ दे तुझको दीवाना, कैसे छोड़ दे, कैसे छोड़ दे। हीरे मोती आजा मेरे दिल में आ, तू है दौलत मेरी आ मेरी मंजिल में आ। ऐ मेरी तमन्ना तू कहीं न जा, हाय रे हाय कहीं न जा। ए दिल के हीरे मोती आजा मेरे दिल में आ, तू है दौलत मेरी आ मेरी मंजिल में आ। ऐ मेरी तमन्ना तू कहीं न जा, हाय रे हाय कहीं न जा। हमको तो यारा तेरी यारी जान से प्यारी, तू चाहे तोड़ दे तुझको दीवाना, कैसे छोड़ दे, कैसे छोड़ दे। Thank you.
हमको तो यार रखे दी यारी जान से प्यारी, तू चाहे तोड़ दे तुझको दीवाना, कैसे छोड़ दे कैसे छोड़ दे। तुम हमेशा मुझसे प्यार करोगे, कभी धोखा नहीं दोगे? बोलो, बोलते क्यों नहीं? मेम साहब, मैं तो जबरदस्त धोखा देने वाला हूँ। तुम्हें नशा हो गया, कभी तुम सो जाओगी और फिर और फिर तुम मुझे ले जाके बेच दोगे। बेच दोगे ना तो बेच दो, क्या मिलेगा तुम्हें? सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात वो तो वैसे भी तुम्हें मिल रहा है। क्या मतलब? लो, पढ़ लो। मेरे बाप को बुरा कहते हो ना कि उन्होंने अपने वकील से बनवाया है तो तुम्हें जायदाद में हिस्सेदार बनाया जा रहा है। या। और इसीलिए तुम काजू को लेकर वहां नहीं पहुंचे। पंजीत साहब, हम लोग काजल को क्यों गायब करना चाहते थे? तुम्हारे हीरो के लिए और सौदागर सिंह के बेटे की जान बचाने के लिए। और अब ये दोनों काम काजल की मदद से किए जा सकते हैं। वो लड़की मेरे प्यार में इतनी पागल है, मैं उसे जो चाहूं करवा सकता हूं। मगर कल तक तो तुम्हें किसी और लड़की से प्यार था। था नहीं, अब भी है मिस्टर पंजीत, मगर उसकी शादी हो चुकी है। खैर जो भी हो, मैं काजल को धोखा देने के लिए तैयार नहीं। मैं उसे सारी असलियत बताने वाला हूं। नहीं, तुम अभी काजल को कुछ मत बताना। क्यों? मैं जरा दिल्ली फोन करके सौदागर सिंह से पूछ लूं, ये उनके बेटे की जिंदगी का सवाल है। ठीक है, पूछ लीजिए। गुड नाइट। वाह, जवाब नहीं आपका, बातों की बातों में मतलब की बात कह गए ना बहुत खूब बनती चाल। देखिए, मेरा चश्मा तुम्हारे बैग में है। ओह माय, बैग तो मैं गाड़ी में भूल आई, अभी लाती हूँ। काजल, मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ। ओके। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे ये तो बताया दो कि मैं मंजीत क्यों बना। हटो मेरे सामने से। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ दो। लीव मी अलोन। कौन है ये आदमी? मेरा स्टेट मैनेजर। क्या बात है काजल? मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया कि तुम्हारे आने से पहले ये मुझसे मंजित बनकर मिले, और जब पोल खुल गया तब भी बाज नहीं आए, और ये खत मुझे लिखा। ये खत तुमने लिखा? आपको क्या हक है मुझसे सवाल करने का? मैं आपका नौकर तो नहीं? ना सही, लेकिन तुमने मेरे घर में इनका हाथ पकड़ा है। अगर इन हाथों को पकड़ा है तो इन पर मेरा हक है। हाथ नहीं उठाना मिस्टर, मेरे हाथ कटे हुए नहीं है। ले लो उस बदमाश को। हाँ,
बेटे का खून बहुत महंगा है अमीर जादों। इसके खून की एक एक बूंद के लिए तुम सबकी लाशें भी साधूंगा। आओ आगे। बाबूजी जाने दीजिए। कौन है आदमी? वो क्या बताएगा, मैं बताता हूं मैं कौन हूं। बाबूजी आगे कुछ मत कहिए, आगे एक लफ्ज भी नहीं। मेरी असलियत बता के मुझे जलील मत कीजिए, आपको मेरी जिंदगी कसम। कुछ अजीब टाइप के निकले ये लोग, क्या आप इन्हें जानते हैं? जी नहीं, आज पहली बार देखा इनको। आइए चलिए चलिए। क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं, तुम चलो मैं आती हूं। आया था मैं नौकरी करने और किस्मत से काजल का सामना हो गया, और आपके वो बरसों के कहे हुए शब्द कि काजल तेरी मंजिल है, काजल तेरी जिंदगी है, वो असलियत बन गए। उसे पता है तू कौन है? नहीं बाबू जी, कल आपकी पूजा के बाद हम दिल्ली वापस आएंगे। सुन तो बेटे, तू जा क्या रहा है? आप आराम कीजिए बाबू जी, मैं प्रकाश के कमरे में जाकर सो जाऊंगा। क्या बात है मेम साहब, मैं देख रहा हूँ जब से मैनेजर गया है आप कुछ चुपचाप से हो गई। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। दे आर गुड। मैं टेलीफोन करके आया हूँ। To go, please. Sure. भाभी पहुंच के पीछा करते हुए। मैंने कभी तुम्हारा पीछा नहीं किया काजल, ये तो तकदीर है जो बार बार तुम्हें मेरे सामने ला रही। पता है क्यों? मुझे कुछ नहीं जानना, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम झूठे हो, फरेबी हो। Sorry for keeping you waiting. देखा आपने, यहाँ भी पहुंच गए। मोहब्बत बहुत बुरी चीज है काजल, अच्छा भला आदमी भी पागल हो जाता है। Your attention please. Ladies and gentlemen, मेरे सामने वाली टेबल पर जो आप हसीन जोड़ा देखते हैं वो है मिस्टर एंड मिसेस सलीम। बचपन में इनकी शादी तय हुई थी और बचपन में ही ऐसे बिछड़े कि मिलने की उम्मीद खत्म हो गई, मगर किस्मत ने इन्हें दोबारा मिला दिया। आज इनकी शादी की पहली सालगिरह है। इस खूबसूरत मिलाप के लिए अगर आप में से किसी के पास कोई गजल कोई गीत है तो यहाँ के पेश कर सकते हैं। इनके लिए मैं गाना गाऊंगा। मिस्टर मिसेस सलीम, ये हसीन मिलाप आप दोनों को मुबारक हो, मगर इस खुशी के दिन अगर आप उन लोगों को याद करें जिनका मिलाप नहीं हो सका तो आपको पता चलेगा कि आप कितने खुश नसीब हैं। इसलिए जो गा रहा हूं मैं गा रहा हूं वो मिलाप का नहीं बल्कि उन बदनसीबों का है जिन्हें ठुकराया गया, जिनके साथ धोखा किया गया। क्या हुआ
क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी दिल की तरह से तेरी बाहों में बीती हर शाम बेवफा ये भी क्या याद नहीं क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा वो पसंद वो इरादा नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम जो कुछ भी बीच हमारे उसे भूल जाना अब रोने से क्या फायदा जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ बेटी मरते दम तक नहीं भूलूंगी और ये भी नहीं भूलूंगी कि मेरे गुनाहों के जिम्मेदार मेरे पाप हैं, जिन्होंने हमेशा मुझे झूठ कहा। काजल, मैंने अगर झूठ बोला है, तो तुम्हारी भलाई के लिए। मेरे लिए भलाई क्या है, बुराई क्या है? इसका फैसला अब आपके हाथ में नहीं, इसका फैसला अब मैं खुद करूंगी। हेलो मंजीत
मुझे अफसोस है, मैं तुमसे कुछ कहे बिना ही चली आई। मगर हुआ क्या है, मुझसे नाराज हो तुम? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मगर कल तुमसे मिलकर मुझे कुछ कहना है। मुझे भी कल तुमसे बहुत कुछ कहना है काजल, हाँ अपने बारे में, अपनी पूरी कहानी। मिस्टर राजेश, ये आपके लिए तोहफा। माला के कपड़े? जी हाँ। इसका मतलब क्या है? आप काजल को अपनी असलियत बताने वाले हैं ना, जबान मत खोलिएगा मिस्टर राजेश। इसका जिम्मेदार कौन है? सौदागर सिंह। काजल, अभी भी खबर आई मेरे डैडी की तबीयत कुछ खराब हो गई है, मैं उन्हें जाके देखता हूँ, फिर बाद में तुम्हें फोन करता हूँ। ओके। आओ जी जमन, कुछ फल खाओ। इस बेहोशी का मतलब क्या है? अपने आपे से बार मत हो साहबजादे, तुमने अपनी कब्र खुद को दी है। बोल मेरी बहन कहाँ है सौदागर सिंह? तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। जी, जिसकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। और ऐसे ही नहीं, मेरे कारनामों की लिस्ट जानोगे बच्चे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि मेरे लिए तुम एक चूटी हो, जिसे जब चाहूं अपने जूते से मसल सकता हूं। तो तुम मेरी जिंदगी में मदद करने नहीं, मेरे हीरे छीनने आए थे? वो तो कब के छीन चुके हैं तुमसे दोस्त, आज तुम खिलाड़ी नहीं तमाशाई। बाजी लगी है मुझ में और किशोरी लाल, अगर ये बाजी में हार गया तो इसके जिम्मेदार होगे तुम, और इसकी सजा भुगतेगी तुम्हारी मासूम बहन माला। माला जिसका एक एक मोती निकल। क्या चाहते तुम मुझसे? ठीक 2 बजे तुम्हें काजल को लेकर पोलो ग्राउंड पहुंचना है, वहां हमारा पायलट और हेलीकॉप्टर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ओके। हम तुमसे पहले सरहद पार कर जाएंगे, और जब तुम काजल को लेकर वहां पहुंचोगे तुम्हारी बहन माला यहां आजाद कर दी जाएगी। और काजल? हीरे मिल जाने के बाद तुम काजल को भी ले जा सकते हो। ठीक है, मगर कपड़े इसी वक्त माला को पहुंचवा दीजिए। ऑफ कोर्स। केदार, हैप्पी बॉय। सेवन फाइव प्लीज। हेलो जी, मैं काजल से बात करना चाहता हूं। भाई साहब, मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है, मुझे इधर आगे तक छोड़ देंगे? तुम्हारी इस थैली में क्या है? थैली कुछ नहीं, बच्चों के लिए मिठाई। बैठ जाओ। आओ भाई साहब, एक मिनट, मैं जरा सिगरेट ले आऊं। हाँ जल्दी आओ जल्दी। अरे भाई, एक पैकेट पनामा देना। अरे साला, बोलता था थैली में मिठाई है, यहां तो छोकरी के कपड़े हैं। क्या हुआ? ये कोट मैंने एक लड़की को पहने हुए देखा था। कौन? मंजीत की बहन माला। रख दे, वापस आ गया।
अच्छा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। कमाल, सौदागर, ऐसा तो नहीं राजेश को पता लग गया है कि माला हमारे यहां से निकल चुकी है? इम्पॉसिबल, कि जब हमें मालूम पड़ा कि माला को कुछ लोग छुड़ा के ले गए, उस वक्त राजेश काजल से मिलने जा चुका था। Here he comes. This way. Follow me. चलो काजल। मगर कहाँ? हाँ, कम कम। क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे अपने पिताजी के पास ले जा रहे हो? नमस्ते अंकल। जो वादा तुमसे किया था वो पूरा हो चुका है सौदागर सिंह। मेरी बहन माला कहाँ है? जाने मन, जैसे ही तुम काजल को लेकर नैनीताल से निकले, हमारे आदमी ने तुम्हारी बहन को रिहा कर दिया। अगर ये नैनीताल नहीं तो तुम मुझे कहाँ ले आए हो मंजीत? मैं बताता हूँ, ये ना तो मंजीत है और ना ही इनके बेटे। इनका नाम राजेश है और इनके जिम्मे सिर्फ एक ही काम था, तुम्हें हिंदुस्तान की सरहद से बाहर तक पहुंचाना। वो किस लिए? तुम्हारे पिताजी के पास 25 करोड़ के वो हीरे हैं जो कभी राजेश के थे। यहां से तुम्हारी वापसी की कीमत वही हीरे होंगे। काजल को यहां कब तक रुकना पड़ेगा? काजल को यहां लाए जाने की खबर किशोरी लाल तक पहुंच चुकी है। कल वो इसी हेलीकॉप्टर में हीरे लेके आएंगे और फिर तुम सबको वापस पहुंचा दिया जाएगा। मैं कल तक ईरान नहीं देखूंगा सौदागर सिंह। मुझे हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है, मैं अकेला जाऊंगा और हीरे लेकर ही आऊंगा। मुझे मंजूर है। मेरे आने तक तुम्हारे पास काजल मेरी अमानत है। इस अमानत पर डाका डालने वाले को चाहे मुझे धरती का कोना कोना ढूंढना पड़े, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा सौदागर सिंह। रिमेंबर दिस। देखो काजल, मुझे अपने गुनाह का पूरा एहसास है। गुनाह तो मैंने किया था, जिसकी सजा मुझे आज मिल रही है। ना संजय की मोहब्बत को नीलाम किया होता और ना आज मैं तुम्हारी बहन के लिए यूं बेची जाती। जो कहो ठीक है, पर इतना याद रखना काजल, या तो मैं तुम्हें यहां से जिंदा लेकर जाऊंगा या मेरी लाश यहीं दफन होगी। भैया, ओ भैया। माला, माला, तुम यहाँ? हाँ, मुझे उन बदमाशों से संजय ने बचाया और यहाँ लेकर आए। संजय? हाँ। संजय मेरे दोस्त, तुमने जो एहसान मुझ पर किया है उसके लिए अगर तुम मेरी जान भी मांगो तो मैं इनकार नहीं करूंगा। जान तो तेरी वैसे भी जाएगी, बोल मेरी बेटी कहां है? चला गोली।
बुजदिलों के हाथ से गोली नहीं चला करती किशोरी लाल। चांद वो ही ले सकते तू चांद देना जानते हैं। देखो मेरी आंखों में, मैं चांद देना भी जानता हूं चांद लेना भी। हाँ बोल, कहा है वो हीरो जो मेरे बाप ने मरते समय तुम्हें दिए थे मुझे देने के लिए? तुम्हें? हाँ मुझे। मेरा नाम राजेश है और वो हीरे मुझे अपने लिए नहीं, अपनी बहन के लिए नहीं, काजल की जिंदगी खरीद निकले चाहिए। मगर वो हीरे मेरे पास नहीं। तुम झूठ बोलते हो। मेरा यकीन करो राजेश, तुम्हारे पिता ने मुझे हीरे जरूर दिए, मगर ना जाने कैसे कुछ बदमाशों को उन हीरों की खबर थी और उन्होंने हिंदुस्तान तक मेरा पीछा किया। भागते समय हीरों की बेल्ट मैंने साइकिल के एक टूल बॉक्स में छुपा दी। जब मैं छुपा हुआ था कोई आया और साइकिल लेकर चला गया। और तुमने उसे देखा तक नहीं? हा? नहीं, मगर मुझे अच्छी तरह से याद है वो एक काले रंग का टूल बॉक्स था और उस पर दो ही अक्षर लिखे हुए थे, एस और के। मेरा यकीन करो राजेश। किशोरी लाल, मेरे सब्र को मत आजमाओ, मेरे सर खून चढ़ा हुआ है, ऐसा ना कि मेरे हाथों तुम्हारा खून हो जाए। राजेश, क्या वो हीरे मुझे काजल की जिंदगी से ज्यादा प्यारे? मैं काजल की कसम खा के कहता हूँ वो हीरे मेरे पास नहीं है, नहीं है। वो हीरे मेरे पास है। ये हीरे तुम्हारे पास थे संजय? जी। और तुम्हें खबर भी नहीं थी? नहीं। जानते हो हीरों की कीमत? अगर ये काजल की जिंदगी खरीद सकते हैं तो अनमोल है, वरना पत्थर। या दैट्स राइट। मैं हीरे लेकर जाऊंगा और काजल को वापस लेकर आऊंगा। तुम्हें भरोसा है ये हीरे लेने के बाद वो तुम दोनों को वापस आने देंगे? भरोसा तो नहीं है। तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। मुकाबला बहुत कठिन है मेरे दोस्त, लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो तो हम किसी से कम नहीं। लीजिए, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मगर मुझे नहीं। तुम्हारा काम खत्म हो चुका है सौदागर, तुम्हारी मजदूरी की कीमत दे दी जाएगी। द बेल्ट, आई सेड द बेल्ट। ही वांट्स द बेल्ट जैक। याद है मैंने क्या कहा था? हाथ में मिल जाने के बाद इस कमीने की आंखों में सुअर का बाल उतर आएगा। सौदागर, अपना हाथ रिवॉल्वर से हटा लो बंजीत, वरना तुम्हारा सीना गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। उधर देखो। कल तक ये अड्डा, ये कारोबार तुम्हारा था, ये तमाम आदमी तुम्हारे थे, अब नहीं। मैं इनकी दोस्ती की कीमत अदा कर चुका हूं। भूषण, नंदा, ठाकुर, मेरा उसूल है कि मैं अपने दुश्मन को जीतने का एक मौका जरूर देता हूं। एक मौका तुम्हें भी दे रहा हूं। क्या मतलब? मतलब ये कि हम दोनों पीठ जोड़ के खड़े हो जाएंगे और 15 कदम चलने के बाद एक दूसरे पर गोली चलाएंगे। जो जिंदा रह गया ये हीरे उसी के हैं। राजेश, ओके बस, ओके मूव। जैक,
Look after the girl. Move back. Move back. Now, Radesh, you start the counting. Okay. Ready? Ready. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, सौदागर सिंह, तुम्हारा वादा था हीरे मिलने के बाद तुम मुझे और काजल को हेलीकॉप्टर से वापस भिजवा दोगे। जरूर भिजवा दूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर हमें एक जगह छोड़कर वापस आता। ओके। जैक, भूषण, एक साथी ने अचानक हमला किया और वो तीनों घोड़ों पर भाग निकले। ये बेल्ट नकली है भूषण, वो हमें धोखा देकर असली हीरे अपने साथ ले गया। अब हमें उन्हें हिंदुस्तान की सरहद पर पहुंचने से पहले रोकना है। जरूर मालिक। तुम लोग जाओ जंगल में उनका पीछा करो, मैं हेलीकॉप्टर से आता हूं। ओके। कम ऑन जैक, लेट्स गो।
तुम मेरे साथ चलो, मैं आगे उतार दूंगा। अच्छा माने। संजय मैं भी आया। ओके। संजय, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया, मगर फिर भी तुम अपनी जान की बाजी लगाकर मुझे बचाने आए। जान की बाजी तो राजेश ने भी लगाई है। अपने बंदूक दे और काजल ले जा। क्या? Give me your gun and go with काजल। Come on। की सरहद वो सामने पुलिस की चौकी है। लेट्स गो, लेट्स गो। जस्ट अ मिनट। काजल तुम यही ठहरो। संजय तुम सामने की तरफ से जाओ। मैं इधर जंगल में छुपते हुए पीछे की तरफ से पहुंचता हूँ। ओके ओके ठीक है। हीरो का बेल्ट किधर है? हीरो का बेल्ट कहां है? राजेश और काजल के पास। राजेश और काजल किधर है? जवाब देने खोपड़ी उड़ा दूंगा तेरी। उधर जंगल में। चल तुम्हारे पास कोई गाना है? वो लोग ले गए, वायरलेस सेट भी खराब कर दिया है। मैं इसे ठीक करके अभी हेडक्वार्टर से मदद मंगवाता हूँ।
जैक, मैं इन चारों के साथ जंगल में जाता हूं। तुम अपने आदमी को लेकर हेलीकॉप्टर के पास जाओ। राजा बॉस। I'll get you, baby. I'll get you. Let me go, please. Rajesh, oh, you broke. Helicopter, niche lao. Leave me. Helicopter, niche lao. Nahi to iski khopri ula dunga. Bring it down. राजेश, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। काजल की जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। मैं तुम्हें हीरे देने के लिए तैयार हूं सौदागर सिंह। काजल को छोड़ दो। पहले हीरे। कमान कमान, आई डोंट हैव टाइम। राजेश, मेरे पास अब आखिरी गोली बची है। आगे आओ। नहीं राजेश, नहीं, तुम आगे बताना। इसने संजय को मार दिया, ये तुम्हें भी मार देगा। राजेश, एक बार तुम्हें जिंदा छोड़ गया था, दोबारा ऐसी गलती नहीं कर सकता। आगे आओ, आगे आओ, नहीं तो मैं काजल को गोली मार दूंगा। नहीं राजेश, नहीं, नहीं, आगे मत आना। मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो, आगे मत आना। राजेश, और आगे।
Shoot now. Bastard! Shoot the bastard! काजल, तुम्हारे लिए खत राजेश ने भेजा है। काजल, मैं माला की शादी के लिए दिल्ली जा रहा हूँ और फिर वापस लंदन। तुमसे दूर, दूर इसलिए कि तुम्हारा अगर कोई हकदार है तो वो है संजय। संजय जो तुमसे उसी तरह प्यार करता है जैसे कि मैं कभी किसी के साथ करता था। संजय मेरे दोस्त, यकीन मानो, काजल तुम्हारी थी, तुम्हारी है और तुम्हारी रहेगी। रोकने तो तुम्हारी तो शादी हो गई थी। इनकी शादी नहीं हुई बेटा, शादी की रात ही ये भागकर मेरे पास चली आई। और फिर मौका मिलते ही हम लंदन से दिल्ली और दिल्ली से यहाँ पहुंचे। She is my girl. You? Your place is there. Go on! अब बोलिए। माना आप दोनों की जोड़ी लाजवाब है साहब, लेकिन हम किसी से कम नहीं है। अगर दुश्मन दुश्मन जमाना, गम नहीं कोई आए कोई, हम किसी से कम नहीं है अगर